नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो ग्रामर का टॉपिक्स है जो कि चैप्टर 15 के पश्चात ग्रामर के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें से हमने शब्द रूपाणी में से अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द और मातृ शब्द को उच्चारण करना सीखा बच्चों। और आज की कक्षा में बच्चों हम धातु रूपाणी हेडिंग से शब्द रूप के पश्चात पेज नंबर 128 पर धातु रूपाणी हेडिंग से जो कुछ धातु रूप दिए गए हैं बच्चों, उनमें से जो सबसे पहले दिया गया खाद धातु। खाद धातु के रूप विभिन्न लकारों में किस प्रकार चलते हैं वो हम सीखेंगे बच्चों, ठीक है। और लकार संस्कृत में कितने होते हैं? 10 होते हैं मुख्यतया, और आपके कोर्स में 5 लकार है बच्चों, ठीक है। लकार में समयवाची शब्द, ठीक है, जैसे हिंदी में तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल होता है, लेकिन यहाँ पर जो संस्कृत में आपके कोर्स में 5 लकार है, कौन कौन से? लट लकार है यानी वर्तमान काल है, लिट लकार भविष्यत काल है, लंग लकार अतीत काल यानी कि भूतकाल को कहते हैं, लोट लकार अनुज्ञा आदेश के रूप में प्रयुक्त होता है, और विधि लिंग लकार विधि संभावना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है बच्चों। और खाद धातु खाने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, खाद में खाना, ठीक है। और देखिए आप 4 कॉलम दिए गए हैं, वही एज यूजुअल प्रथम पुरुष का कॉलम है, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का कॉलम है, ठीक है। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। और वचन 3 होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में खाद धातु का एकवचन में क्या बनेगा? खादति, खादत है, खादंती, द्विवचन और बहुवचन भी, ठीक है। और मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? खादसी, खादत है, खादत, उत्तम पुरुष खादामी, खादावह, खादामह, ठीक है। लयबद्ध तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करें आप लोग, सुनिए, खादति, खादत है, खादंती, खादसी, खादत है, खादत, खादामी, खादावह, खादामह, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिट लकार पर चलते हैं, लिट लकार भविष्यत काल के रूप इस प्रकार चलेंगे, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ती, टर्न द पेज स्टूडेंट्स। मध्यम पुरुष में बनेगा खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत, उत्तम पुरुष में खादिष्यामि, खादिष्यावह, खादिष्यामः, ठीक है। पुनः रिपीट करती हूँ मैं, सुनिए आप, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावह, खादिष्यामः, ठीक है। नेक्स्ट लंग लकार अतीत काल में खाद धातु के रूप किस प्रकार चलेंगे वो देखिए आप लोग, प्रथम पुरुष के रूप चलेंगे अखादत, अखादताम, अखादन, मध्यम पुरुष में अखादह, अखादतम, अखादत, उत्तम पुरुष में अखादम, अखादाव, अखादाम, ठीक है। लयबद्ध तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करें, सुनिए, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम, ओके। नेक्स्ट लोट लकार में अनुज्ञा आदेश के अर्थ में किस प्रकार चलते हैं? खादतु, खादताम, खादन्तु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादावह, खादामह, ठीक है। नेक्स्ट विधि लिंग लकार है, विधि या संभावना के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और इसके रूप किस प्रकार चलते हैं? खादेत, खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेमह, पुनः रिपीट करती हूँ, खादेत, खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम, ठीक है। मैं ग्रीन बॉक्स में क्या लिखा है? एवमेव, धाव, खेल, गम, गम के रूप किस प्रकार चलते हैं? गच्छ के रूप में, पठ, रक्ष, भ्रम, पा, पा के रूप, पेब धातु के रूप में, हंस, मिल, क्रीड इत्यादि नाम धातु नाम रूपाणि भवन्ति। एवमेव यानी इसी प्रकार से ही धाव धातु, खेल धातु, गम, पठ, रक्ष, भ्रम, पा, हंस, मिल, क्रीड या इन ये सभी धातुओं के रूप इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि आपने खाद धातु लर्न कर लिया बच्चों, तो आप इन अन्य धातुओं के रूप इजीली इन रूपों को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। खाद धातु के पश्चात आपके जो कोर्स में है वो है इश धातु, ठीक है। इश धातु मीन्स इच्छा करना, ठीक है ना। इश धातु के रूप लट लकार वर्तमान काल में किस प्रकार बनते हैं? प्रथम पुरुष में बनता है इच्छति, इच्छत, इच्छन्ति, मध्यम पुरुष में इच्छसी, इच्छत, इच्छत, उत्तम पुरुष में इच्छामि, इच्छावह, इच्छामह, ठीक है। पुनः रिपीट करती हूँ, इच्छति, इच्छत, इच्छन्ति, इच्छसी, इच्छत, इच्छत,
इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः। आप लाइव तरीके से प्रैक्टिस करें बच्चों, आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऋट लकार है भविष्यत्काल, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इस धातु में ऋट लकार में रूप कैसे चलते हैं, एश से चलते हैं, एशिष्यति इस प्रकार चलते हैं। तो आपको ये वर्ड पहला वर्ड याद रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। हम देखिए आप लोग, एशिष्यति एशिष्यतः, एशिष्यन्ति एशिष्यसि एशिष्यतः एशिष्यत, एशिष्यामि एशिष्यावः एशिष्यावः एशिष्यामः, सॉरी पुनः रिपीट करती हूँ, एशिष्यति एशिष्यतः एशिष्यन्ति एशिष्यसि एशिष्यतः एशिष्यत एशिष्यामि एशिष्यावः एशिष्यामः। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करें आप लोग, इतना कोई हार्ड नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे लयबद्ध तरीके से तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट इष्ट धातु लंग लकार अतीत काल में रूप चलेंगे एच्छत से, ठीक है। तो इसके इस प्रकार बनेंगे, सुनिए आप लोग, एच्छत एच्छताम एच्छन एच्छह एच्छतम एच्छत एच्छम एच्छाव एच्छाम। पुनः रिपीट करती हूँ, एच्छत एच्छताम एच्छन एच्छह एच्छतम एच्छत एच्छम एच्छाव एच्छाम। नेक्स्ट लोट लकार अनुज्ञा आदेश में किस प्रकार बनेंगे, पुनः यहाँ पे इच्छति के प्रकार से इच्छतु बन जाएगा, यहाँ पर इच्छ के अकॉर्डिंग चलेंगे, इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु इच्छ इच्छतम इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छामः। पुनः रिपीट करती हूँ, इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु इच्छ इच्छतम इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छामः। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, अंतिम इच्छ धातु का इष्ट धातु का है बच्चों विधि लिंग लकार विधि संभावना अर्थ में किस प्रकार प्रयुक्त होगा, इच्छेत इच्छेताम इच्छेयु इच्छे इच्छेतम इच्छेत इच्छेयम इच्छेव इच्छेम। पुनः रिपीट करती हूँ, इच्छेत इच्छेताम इच्छेयु इच्छे इच्छेतम इच्छेत इच्छेयम इच्छेव इच्छेम। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने धातु रूपों में से खाद धातु और इष्ट धातु के सभी लकार जो आपके कोर्स में उनको हमने बच्चों लयबद्ध गाना सीखा, और संख्यावाचक शब्दा हेडिंग से जो अगला टॉपिक है बच्चों व्याकरण का वो भी हम साथ ही में समझ लेते हैं। बच्चों संख्यावाचक शब्दा, हिंदी में संख्या लिखी यहाँ पे 51 to 100, यानी कि 51 से 100 तक की जो संख्यावाचक शब्द है, नंबर्स है, जो हमारी गिनती है बच्चों 51 to 100 तक की, वो यहाँ पर संस्कृत में किस प्रकार से होती है वो सिखाई गई है। तो देखते हैं हम लोग, पंचाशत यानी 50 को क्या बोलते हैं, पंचाशत। अब यहाँ पर है 51 का क्या हो जाएगा, एक पंचाशत। 52 द्वा पंचाशत या द्वि पंचाशत। 53 त्रय पंचाशत या त्रि पंचाशत बोल सकते हैं। 54 चतु पंचाशत। 55 पंच पंचाशत। 56 षट पंचाशत। 57 सप्त पंचाशत। 58 अष्टा पंचाशत या अष्ट पंचाशत। 59 नव पंचाशत या एकोन षष्ठी ही। 60 षष्ठी ही। 61 एक षष्ठी ही। 62 द्वा षष्ठी ही या द्विषष्ठी। 63 त्रय षष्ठी ही या त्रिषष्ठी ही। 64 चतुष्षष्ठी। 65 पंचषष्ठी ही। 66 षट्षष्ठी ही। 67 सप्तषष्ठी ही। 68 अष्टाषष्ठी ही या अष्टषष्ठी ही। 69 नवषष्ठी ही या एकोनसप्तति, और 70 में सप्तति ही, ठीक है। सप्तति के पश्चात 71 को क्या बोलते हैं, एक सप्तति ही। 72 द्वा सप्तति ही या द्विसप्तति ही। 73 त्रि सप्तति या त्रयसप्तति ही। 74 चतुस्सप्तति ही। 75 टर्न द पेज स्टूडेंट्स, 75 के लिए होगा पंच सप्तति ही। 76 षट सप्तति ही। 77 सप्त सप्तति ही। 78 अष्टा सप्तति या अष्ट सप्तति ही। 79 नव सप्तति ही या एकोनाशीति, ठीक है ना। और 80 को क्या बोलते हैं, अशीति ही। नेक्स्ट 81 एकाशीति ही। 82 द्वयशीति ही। 83 त्रयशीति ही। 84 चतुर्शीति ही। 85 पंचाशीति ही। 86 षडशीति ही। 87
सप्ताशीति 88 अष्टाशीति 89 नवाशीति या एकोननवति 90 नवति 91 एकनवति 92 द्वानवति या द्विनवति 93 त्रयोनवति या त्रिनवति 94 चतुर्नवति 95 पंचनवति 96 षण्णवति 97 सप्तनवति 98 अष्टानवति या अभिक्रमण लिखा अष्टनवति। नेक्स्ट 99 नवनवति या एकोनशतम। नेक्स्ट 100 को क्या बोलते हैं? शतम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हिंदी वाली काउंटिंग भी यहाँ पर लिखी है, लेकिन हम इनको जो अब तक हमने जनरल हमने सीखी है उसके अकॉर्डिंग मैं PDF में भेजूँगी बच्चों, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो व्याकरण के टॉपिक्स धातु रूपों में से खाद और इष्ट धातु और 51 to 100 तक की जो काउंटिंग है बच्चों वो सीखी है हमने संस्कृत में। आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अगली कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए शुभम मंगलम।